बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंबेडकर सभागार के समक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने नशा मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार ने नशा मुक्त रथ को रवाना किया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के समक्ष बुधवार को नशा मुक्ति रथ रवाना किए गए। वाहन पर राजमिश्राबंदी लागू है, इसको देखते हुए नशा मुक्ति से संबंधित बातों को बतलाया गया। देखिए, नशा मुक्ति के संबंध में कई प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, उसी क्रम में नशा मुक्ति रथ का आज रवाना किया जा रहा है। 60 दिन तक विभिन्न पंचायतों में रह करके जो नशा मुक्ति का संदेश है, उसे नशा से होने वाले जो नुकसान है स्वास्थ्य से लेकर के समाज से लेकर के हर क्षेत्र में जो नुकसान होती है, और WHO का जो रिपोर्ट है नशा से जो नुकसान आदमी को होता है, ये सारे डिटेल्स बारीकी से प्रत्येक दिन 3 पंचायत के हिसाब से 60 दिन एक कार्यक्रम चलेगा। इसको सख्त मॉनिटरिंग करने के लिए एक्साइज सुपरिटेंडेंट और जीविका को भी निर्देश दिया गया है। दरभंगा के बाजार समिति में पुलिस सुरक्षा के बीच सिंहवाड़ा और हनुमान नगर का मतगणना प्रारंभ। दरभंगा के सिंहवाड़ा और हनुमान नगर प्रखंड के चुनाव के बाद अब मतगणना सुबह से प्रारंभ हुई है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कर्मी एवं प्रत्याशियों को अंदर जाते हुए देखा गया। 11 बजे के बाद धीरे धीरे परिणाम घोषित भी किया जा रहा है। कई प्रत्याशी जीतने के बाद धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। सभी जीते हुए प्रत्याशी को वहाँ के बाद अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस संबंध में DSP ने कहा कि शांतिपूर्ण पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना किया जा रहा है। बाड़ा प्रखंड एवं हनुमान नगर प्रखंड का मतगणना कार्य बाजार समिति प्रांगण में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और परिणाम आना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था व्यापक की गई है। हर पोस्ट पे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। 434 मत से जो है फैसला हुआ है और हम लोगों का आशा था कि 21 वोट आएगा, लगभग 2-4-10 कम 21 वोट आया है। 20 सब कुछ पहला राजनीतिक करियर में पहली बार मुखिया बने हैं कि इससे नहीं, हम दूसरी बार हैं। दूसरी बार हुआ, लगातार हैं, लगातार दूसरी बार। क्या कहेंगे जनता से? जनता को जो है मतलब हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब फिर पुनः मतलब हमको वापस लाए, और जिस निष्ठा प्रभाव से मतलब जनता हमको वापस लाई है उसी निष्ठा से जो है हम अगला काम करें। किसको श्रेय देना चाहते हैं आप जीत का? दरभंगा में 9वें चरण की मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए SSP बाबूराम का निर्देश। दरभंगा बाजार समिति में शांतिपूर्वक मतगणना को लेकर जहां जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, वहीं जन प्रतिनिधियों को जीतने का सिलसिला जोरों शोरों पर है। गौरतलब है कि जीते हुए प्रत्याशियों को अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। जब प्रत्याशी के बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि पिछले बार जब काम किए हैं तो काम करने वाले प्रत्याशी को ही जनता विजय बनाती है, और इसी के तहत सिंहवाड़ा प्रखंड के कई प्रत्याशियों को जीत के बाद मीडिया के सामने आकर जनता को धन्यवाद उन्होंने। दरभंगा में आज से प्रधानाध्यापक व शिक्षक जुटेंगे टीकाकरण अभियान में। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पहली से 10 दिसंबर तक चलने वाली कोविड टीकाकरण अभियान में अब प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की भी भूमिका तय की गई है। प्रधानाध्यापक और 9 पद स्थापित शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन 1 घंटा अपने अपने स्कूलों के पोषक क्षेत्र में लोगों के टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें।
जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में इस सिलसिले में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से आरंभ होने वाले टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है। जिलाधिकारी ने इस अभियान में सेविका व जीविका दीदियों के साथ साथ शिक्षा विभाग से भी अपेक्षा। शराब धंधेबाज से सांठगांठ मामले में चौकीदार को डीएम त्यागराजन एसएम ने किया बर्खास्त। शराब धंधेबाजों से भैरा थाने की एक चौकीदार को संबंध रखना महंगा पड़ गया। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अनुशंसा पर मंगलवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चौकीदार देवन पासवान को बर्खास्त कर दिया। इससे चौकीदारों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि फतुल्लाह कल्याणपुर हलके की जिम्मेदारी संभाल रहे चौकीदार देवन अपने क्षेत्र में शराब बनाने वाले धंधेबाजों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जबकि उसे पपत्र में सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। इस बीच 4 जनवरी 2021 को तत्कालीन SDPO उमेश चौधरी के नेतृत्व में उक्त गांव में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई थी। साथ ही शराब बनाने के कई उपकरण जब्त किए गए थे। मामले की जब जांच की गई तो SDPO ने पाया कि शराब धंधेबाजों से स्थानीय चौकीदार का सांठगांठ है। साइकिल चोरी के आरोप में मासूम को पोल में बांधकर पीटा, लोगों के विरोध पर चुपके से भाग निकला पिटाई करने वाला। लहरियासराय थाना क्षेत्र के ML एकेडमी स्कूल के पास मंगलवार को कुछ लोगों ने मासूम बच्चे को बिजली के पोल से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। मासूम पर साइकिल चोरी करने का आरोप था। हालांकि आसपास के लोगों ने इसकी काफ़ी विरोध की, बावजूद इसके पिटाई करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद पिटाई करने वाले लोग चुपके से निकल गए। बताया जाता है कि ML एकेडमी स्कूल के पास से शाहगंज बेता निवासी राजकुमार से बेगूसराय जिला निवासी रंजीत सिंह साइकिल मांगकर पोलो मैदान के पास गए, जहां सड़क किनारे से साइकिल की चोरी हो गई। इसकी सूचना रंजीत राजकुमार को दी। इसके बाद राजकुमार साइकिल के बदले साइकिल की मांग करने लगा। इससे रंजीत परेशान हो गया। इसी बीच लहरियासराय के बाकरगंज स्थित एक मोहल्ले का रहने वाला मासूम बच्चा उक्त साइकिल को चलाते हुए ML एकेडमी स्कूल की ओर जा रहा था, जिस पर राजकुमार की नज़र पड़ गई। साइकिल पहचानते ही राजकुमार ने साइकिल सहित मासूम को दौड़ कर पकड़ लिया। तब तक रंजीत भी पहुँच गया। इसके बाद दोनों मिलकर मासूम को बिजली के पोल से रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। इधर थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि मामले को भी गंभीरता से लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका साइकिल था, कहाँ लगाए थे? साइकिल ड्राइवर मांगे हमसे कि हम आते हैं पैसा लेने के लिए, हम उनको साइकिल दिए। तो उसके बाद ये आया तो वहाँ से साइकिल चोरी कर लिया। हम इनको बोले कि हमको साइकिल के बदला हमको साइकिल चाहिए। इसको पकड़े कैसे? ये गुजर रहा था, हम इसको पकड़ लिए घपसीना। साइकिल देखे अपना कि मेरा साइकिल है, ये चलो इसको पकड़ लिए। क्या नाम हुआ? नाम राजू कुमार हुआ। घर कहाँ हुआ? घर सागंज बेता हुआ। दरभंगा DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरीश शंकर मिश्रा ने कहा, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए विभाग को रखा गया है अलर्ट। कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। इससे निपटने के लिए राजधानी पटना से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ऑनलाइन बैठक में तैयारियों की ताज़ा स्थिति और नई वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में DMCH अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा सहित सभी विभागों के विभागीय अध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यालय ने स्थानीय स्तर की आवश्यक कर्मियों को पूरा करने के लिए कहा है, तत्काल सूची भेजने को कहा। मौके पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट समेत विभिन्न विषयों पर जोर दिया गया है। अधीक्षक डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अस्पताल प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके लिए कोरोना वार्ड में आवश्यक चीज़ों का इंतजाम कर लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाकर भेजी जा रही है। समाहरणालय स्थित कंट्रोल रूम से कर्मी टीकाकरण के लिए कर रहे हैं प्रेरित। शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की ओर दूसरी डोज लेने के लाभार्थियों को प्रेरित करने को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से कर्मी टीकाकरण की दूसरे डोज के लिए लोगों को फोन के माध्यम से जानकारी देकर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
कम किराया के बाद जाम से राहत के कारण दरभंगा एयरपोर्ट बना लोकप्रिय। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित देश के अन्य महानगरों की हवाई यात्रा करना इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रहा है। कारण पटना की अपेक्षा यहां से किराया कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां फ्लाइट पकड़ने के लिए यात्रियों को जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ती है, जो पटना जाने से कतराने का मुख्य कारण है। दरभंगा एयरपोर्ट का राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर अवस्थित होना इसकी बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इससे उत्तर बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले सीधे जुड़े हुए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर साल भर के अंदर 5.5 लाख यात्रियों की आवाजाही यह साबित कर रही है कि यह एयरपोर्ट पटना को पछाड़ यात्रियों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। दूसरी ओर इस दिनों हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री किराया में कमी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। RCS स्कीम के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए यात्रा करने वाले पहले कुछ यात्रियों को किराए में छूट दी जा रही है। बेस फेयर पर लोग अपने टिकट बुक करा पा रहे हैं। यह सुविधा पटना एयरपोर्ट यात्रियों को नहीं है। शराब के मामले में एक युवक गिरफ्तार, जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू। शराब के मामले में आए दिन कोई ना कोई पकड़ाता है और ऐसे ही युवक शराब मामले में किया गया गिरफ्तार, मंगलवार को जेल भेजे जाने की चल रही है प्रक्रिया। उत्पाद अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा उत्पाद विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र लादा गांव के निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण महतो के पुत्र विजय कुमार महतो को शराब कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया गया एवं इसके घर के पीछे से बोतलें नेपाली शराब को जब्त कर लिया गया, जिस शराब का वजन 13 लीटर बताया गया है। शराब के कारोबार के मामले में गिरफ्तार आरोपी के यहाँ से बरामद शराब सैंपल को जाँच के लिए भेजा जा रहा था और साथ ही साथ शराब मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय कुमार महतो को मंगलवार को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही थी। तमाम मामलों पर शराब के मामले में पकड़े गए आरोपी से बात करने पे हमने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कितने दिन से इस धंधे में आप हैं? हम कभी धंधा नहीं किए, एक दिन सिर्फ कल दे गए, कल एक दिन खराब गए। किस स्थल से आपको पुलिस पकड़ के लाई है? हम जब माल था हम सफाई कर रहे थे, क्या बोला बारी सफाई कर रहे थे, धरना पहुंचा, बोला माल, हम बोले सर मेरे पास माल था, लेकिन कौन सा माल गया, बोले तो खोजे तुमको मिले, तो बोला कि कहाँ से है, तुम बोल दिए तो माल हमको कोई दे गया था, उनका नाम बोले, नाम भी बता दिए, उनको घर तक ले। कौन लोग हैं जो आपके साथ मिले हुए हैं या जिसके साथ? मेरे साथ कोई मिले हुए धंधा कर रहे हैं? मेरे साथ कोई मिले हुए नहीं हुआ। आखिर कहाँ से ये शराब लाया और कहाँ सप्लाई देने के लिए? कहाँ करता है नहीं करता है सोने बताया। माल तो आपके पास से बरामद किया गया? हमको दे गए थे, बोले थे शाम में ले जाएंगे। अच्छा, आपके पास कहाँ पे रखे थे ये शराब को? घर के पीछे में। अच्छा, छुपा के रखे हुए थे? जी नहीं, छुपाए निकले को मुझे छुपा ले था, घर के पीछे था तो छुपा ले था। फिर पुलिस को कैसे सूचना मिली, फिर आपको कैसे पकड़ लिया गया? उनको कोई कहा इनके पास माल आया है। अच्छा, तो हमको बोले पकड़े, तो हम बोलेंगे हाँ माल है ले जाइए। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लाधा का। अच्छा, लड़की लाधा। पिता का नाम? स्वर्गीय सत्यनारायण महतो। घर पकड़ी और लगभग वही थाना कम तो। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह जी को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर, मखान, माला एवं मछली की चित्रयुक्त मिथिला पेंटिंग देकर उनका भव्य स्वागत किया। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत होने के पश्चात पहली बार देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से नई दिल्ली स्थित लोकसभा कार्यालय में मुलाकात किए। इस दौरान सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह जी को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर, मखाना, माला एवं मछली के चित्रयुक्त मिथिला पेंटिंग देकर उनका भव्य स्वागत किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पार्टी द्वारा उनको राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत करने एवं रेल संबंधी स्थायी समिति में
पुनः सदस्य मनोनीत करने के लिए गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नवभारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला एवं देश के विकास के प्रति काफी गंभीर हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा को एक बार के बाद एक कई जनहित से जुड़ना महत्वपूर्ण परियोजना दिया गया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स उड़ान योजना से दरभंगे एयरपोर्ट को जोड़ने, आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, तारामंडल दरभंगा, समस्तीपुर दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, मिथिला को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल करना इत्यादि, दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाना आदि, और साथ ही दरभंगा के विकास के हेतु मखाना के विकास हेतु 10,000 करोड़ रुपए देने, पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सहित दर्जनों विकास परियोजना देने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार जताया।